दोस्तों, शरीर पर कोई भी किसी भी प्रकार के दाग नहीं चाहता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अपने दाग छोड़ जाते हैं और उन्हीं में से एक दाग की हम बात कर रहे हैं, चेचक के दाग होना। अगर आप इन दागों से हो गए हैं परेशान और आप इसके लिए कौन सा घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से इस खास वीडियो में। चेचक है क्या, चेचक को समझ लें पहले। एक बच्चा पैदा होता है और उसके हड्डियों में एक जोश जो उबाल मारता है और उस उबाल को रोकने के लिए मना है कि इसको रोकना नहीं चाहिए। हाँ, ये आसानी से शांत हो जाए इसकी कोशिश करते हैं। तो पहले तो चेचक निकलती थी, जिसे चेचक बड़ी माता कहते थे, अब वो चेचक निकलनी बंद हो गई। इस पर बहुत काम हुआ एलोपैथ का, और फिर दावा भी कर दिया कि बड़ी माता के निकलने पर अगर कोई तला भी देगा तो उसको, वो मेरे बचपन में जब मैं छोटा था तो वॉल राइटिंग दीवारों पर लिखा हुआ होता था कि चेचक बड़ी माता के प्रथम सूचना देने वाले को 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। 10,000 रुपये इस वक्त के 10 लाख रुपए होते हैं मेरे बचपन से अब तक। तो किसी किसी को निकलती है वो बड़ी माता, लेकिन क्योंकि बचपन में ही वैक्सीन लगा देते हैं माँ के और बच्चे के, तो वो बड़ी माता निकलनी बंद हो गई है। अब ये छोटी माता कहते हैं इसे, चेचक माता भी कह लो या कुछ भी कह लो, माँ कह लो, बहन कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप किसी बीमारी को। तो इसको रोकना तो नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन आपका हो चुका है और इसका वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निकल जाना बेहतर है। अच्छा, ये 3 दिन परेशान करती है ज़्यादा, और उस दौर में ना बच्चे कुछ खा सकते हैं, बहुत तेज़ बुखार होता है, तो उस बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पेशानी पर गीला कपड़ा रखते हैं कि बुखार दिमाग को न चढ़ जाए, बस इस चीज़ से बचाते हैं। और ये बारीक बारीक दाने तो निकलते हैं, उसके लिए खूब कला, एक बारीक बारीक दाने मिलते हैं जिसे हम खूब कला कहते हैं। अभी तक पूरी दुनिया में उसका वही इलाज है यूनानी में, और उसकी मान्यता है खूब कला, बारीक बारीक दाने होते हैं। तो जिस वक्त बच्चे के चेचक निकलती है, और ये जो है आपका मुनक्का, मुनक्के का बीच में चाक करके उसका बीज निकाल देते हैं और खूब कला भर के देसी घी में तलकर बच्चे को सिर्फ यही गिज़ा खिलाते हैं। और ऐसे वक्त में बुखार की दवाएं देना भी मना है, बुखार की दवाएं भी नहीं देते हैं, ताकि उस बुखार को रोका ना जा सके, उसे जिस्म के जोश है क्योंकि ये एक, उसको जिस्म से बाहर निकलने दे। और ये निकल जाना ही इंसान की हिफाजत की जिम्मेदारी माना जाता है, और ये सबको निकलती है, और बच्चों को, मैं भी डर रहा हूँ, मेरी एक पोती है 5 साल की, अब मुझे याद आता है कि मेरे बच्चों को निकली थी, तो कई कई बार निकल गई थी मेरे बच्चों को तो, और इलाज कर नहीं सकते और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। बस ज़्यादा ज़्यादा नीम के पत्तों से, नीम के डालियों से उसको, बच्चे को ऐसे एंटीबायोटिक होती है क्योंकि उसे झाड़ते रहते हैं, और ये 3 दिन में 5 दिन में अपने आप अच्छी हो जाती है। तो निशानात अगर रह जाते हैं तो गौंद मोरिंगा उनकी उम्र के हिसाब से दे सकते हैं, इससे उनके जो निशान या गड्ढे पड़ जाते हैं, वैसे तो जब बचपन में ही निकलती है और जवानी आने तक उसको भर जाना चाहिए, तो अगर फिर भी चाहें तो गौंद मोरिंगा इस्तेमाल करा सकते हैं। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं।
सलमा जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब जी। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरे दो सवाल हैं। हाँ सर, मेरी बेटी है 11 साल की है सर। अभी बालिक तो नहीं है, लेकिन सर उसे वेट ज्यादा, वेट डिस्चार्ज बहुत हो रहा है इसी, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? मेरे पास मोरिंगा का गोंद तो है सर, मैं अभी दी नहीं, तुम्हारे से बात हो सकती है कल को, लेकिन 11 साल के है सर, अभी बालिक भी नहीं, उसके लिए कई को ऐसा हो रहा है सर। और एक सवाल है सर, जो अलसी भी है तुम्हें नमक जैतून बोले थे, अलसी गर्म होती है कल, बोलते मैं एक केयर भी ले रही हूँ, बाद में आर केयर भी ले रही हूँ, नमक जैतून से आपके अलसी दे सकती हूँ क्या सर? यही सवाल है सर। ठीक है, हाँ जी, जरूर ले सकते हैं आप। और अगर मैं कोई भी नुस्खा बताता हूँ तो उसमें वो ऐसी दवाएं होती हैं कि अगर कोई ज़्यादा गर्म दवा है तो उसके साथ ठंडी दवा मौजूद है। अलसी गर्म होती है और उसमें नमक जैतून लेंगे तो उसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बच्ची के लिए सिर्फ इसबगोल की भूसी दूध में मिला के एक दो चम्मच रोज खिलाएं। वैसे इसका असल नुस्खा ये है कि गौंद चिलगोज़ा एक चुटकी और इसबगोल की भूसी एक चम्मच दूध में मिलाकर रोज़ाना एक खुराक रात को सोते वक्त बच्ची को खिला दें तो ये वाइट डिस्चार्ज, ये सफ़ेद पानी, ये जरियान, ये सैलान जो रोग हैं, ये मैंने तो अक्सर देखा कि एक दो खुराक में ही वो लॉक कर देता है। बच्ची छोटी है और इस पानी के जाने से बच्चियों बहुत कमज़ोरी आ जाती है, तो फौरन उसको दें और फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हकीम साहब, जो लोग गौंसिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टी केयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक वक्त हम गौंसिया इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टाइम हम टी केयर इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, यही तरीका है कि ये दोनों दवाएँ एक साथ एक वक्त में इस्तेमाल ना की जाएं। जैसे सुबह को गौंसिया इस्तेमाल कर लिया तो शाम को टी केयर इस्तेमाल कर लें, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। तो दर्शकों, देखिए, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरेलू नुस्खे भी अपना रहे हैं तो आपको एक समय का ख्याल रखना है, यानी कि एक साथ इस्तेमाल मत कीजिएगा यूनानी मेडिसिन और घरेलू नुस्खे, क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं। तभी आप लोगों से हम कहते हैं कि कोई भी घरेलू नुस्खा या फिर यूनानी ट्रीटमेंट अपनाने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं गुलनाज, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर, हमारे ना पैरों में और मतलब पूरे बदन में दर्द होता बहुत, मतलब ये चिकनगुनिया हुआ था ना 10-12 साल से, ये तकलीफ थी। अब एलोपैथ बहुत कराए, लेकिन मतलब एलोपैथ लिए तो फायदा होता लेकिन नहीं होता, लेकिन अभी मैं गोन सिया मंगाई हूँ, वो शुरू की है जी। और शिलाजीत भी दिए थे आपके कंपनी से, फॉर्म करे थे तो ना, तो में उसमें तकलीफ थी तो बोले शिलाजीत लो बोले आप, तो वो भी हम मंगाए। वाइस डिस्चार्ज के लिए बोले सब बोल की दूसरी है ओन चिलगुजा, और ये मतलब वेट कम करने के लिए जैतून का नमक, खाने का सोडा, ये सिया बोल, ये सब साथ में ले सकते क्या? ठीक। और मम्मी के लिए सवाल है सर, मम्मी की उम्र है 62 ईयर और उनको मतलब एसिडिटी इतनी है सर कि एक के पीछे एक दकारे आती, और मैं उनको जैतून का नमक मंगा के दिए, मतलब वो सर्दी मिजाज के भी है, सर्दी में इतनी सर्दी महसूस होती है कि उनको मतलब हर चीज गर्म पानी ये वो इस्तेमाल में इधर लगाना पड़ता। हाँ, ये एक तो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, ये मन को मैं गैप के लिए गर्दन के, ये वाली एक्सरसाइज 3 मिनट करें और 3 मिनट ये एक्सरसाइज, ये वाली पूरी तरह इसको मोड़ दें, ठीक है? और आप ये गौंसिया खा रहे हैं, फ़ायदा शुरू हो चुका है, ये धीरे धीरे अभी कमर की पे फ़ायदा हुआ है, फिर पिंडलियों में होगा। बस ये याद रखें कि वेस्टर्न टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला शौचालय ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत में, और ज़्यादा मेहनत का काम ना करें, जैसे झाड़ू पोछे में बहुत मेहनत लगती है, कुछ दिन ना करें तो आप तो बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हैं।
और क्या सवाल है? वेट कम के लिए, वाइट डिस्चार्ज के लिए जो नुस्खा एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एक साथ भी कर सकते हैं। वो इसबगोल की भूसी 1 चम्मच दूध में मिलाकर और 1 चुटकी गौंद चिलगोजा उसमें डालकर अगर आप दिन में एक बार भी ले लें तो वाइट डिस्चार्ज से निजात मिल सकती है। और हकीम साहब, नमक वज़न, जैतून, जी, अगर वालदा को आपकी नमक जैतून ठंडा लगता है तो अलसी का पाउडर बना लें, हल्का सा भून कर। अलसी का पाउडर बना लें, हल्का सा भून कर, आधा या 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर और इस पानी से अलसी खिलाएं, तो उनको वो ठंडी भी नहीं पड़ेगी और एसिडिटी में फ़ायदा मुमकिन है। नमक जैतून और खाने का सोडा आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, खाने से पहले, खाने के बाद। इससे आप अपना जितना चाहे वज़न कम कर सकते हैं। जी। उड़ीसा से हैं राम सागर जी, स्वागत है आपका। माजून आर के मगाया, अभी मंगाया। माजून आर के मेरा चालू है, सर्दी तो बंद हो गया, छींक तो बंद हो गया, और जो अभी छाती में थोड़ा, हाँ जी, छाती में थोड़ा धड़क धड़क जैसा लगता है। ठीक है। 40 उम्र है आपकी? साल का। अभी आप माजून आर के अगर खाएं 5-6 महीने, आपको भगवान ने जल्दी फायदा दिया है। और लेकिन आप कोर्स पूरा करें, 1 महीने नहीं, 5-6 महीने खानी पड़ती है, तो आपको इस रोग से ही निजात मिल जाती है। अगर पूरा कोर्स करेंगे तो आपको पूरा फायदा होगा, नहीं तो फिर बाद में भी आ सकता है ये रोग। और अगर दिल धड़क धड़क करता है और कोई परेशानी है तो 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून असली पानी में मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी लिया करिए, ये परेशानी भी आपकी अच्छी होना मुमकिन है।